जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और लाहौर के, आपको मालूम है कि लाहौरिये जो हैं वो खानों के बड़े दिलदादा हैं, खाबों के बड़े दिलदादा हैं, और जो कुछ भी लाहौर में अच्छे अच्छे फूड्स हैं वो सारे मशहूर फूड्स यहाँ लाहौर से अवेलेबल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके शालमी में और हम आपको दिखाते हैं ये कि यहाँ लड्डू पीठियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से लोग लड्डू पीठियाँ खाते हैं। वैसे तो आजकल लाहौर का मौसम भी बड़ा सर्द हुआ हुआ है और उसकी वजह से लोग जो हैं ऐसी तमाम गज़ाएँ जो गरम गरम सर्व की जाती हैं उनको बड़ा लाइक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अदील साहब। अच्छा अदील साहब, ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये लड्डू पीठी वाले। अच्छा, लड्डू पीठी कैसे बनाते हैं आप? ये चने की दाल का सुबह इसको भिगो देते हैं। अच्छा, सुबह 3 बजे निकालते हैं इसको, फिर इसका नमक डालता है, सोडा डालता है। अच्छा, मैं नमक सोडा डालता है, फिर इधर लगा अच्छी तरह तली मारते हैं, फिर इधर लगा बनाना शुरू कर देते हैं इधर। अच्छा, कितने लड्डू पीठी रोज के तकरीबन बिकते हैं आपके? कभी हमने गिनती नहीं की, शुक्र अल्लाह पाक का सौदा बिक जाता है। कितने लोग रोज आते हैं, हजारों की तादाद में? हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें होती है लड्डू पीठी के बाद? मिर्च वाली चटनी है, हरी फरमानी है, मीठी चटनी है। अच्छा, ये मिर्चों वाली चटनी है नाज़रीन और ये हरी चटनी है। अच्छा जी, इसके बाद ये खुबानी की चटनी है और ये हरी चटनी है। हरी चटनी किससे बनती है जी? ये भी खुरमानी की बनती है, खुबानी की बनती है। अच्छा जी, और साथ ये मूली का सलाद, और चने शनी ऊपर डालते हैं हम। और ये कितने का एक लड्डू पिट्ठी देते हैं हम? लड्डू 30 रुपए का देते हैं हम, चटनियाँ चटनियाँ डाल के। ज़बरदस्त। और ये नाज़रीन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप देख सकें कि इस तरफ अगर आप आके थोड़ा सा आ जाएँ तो यहाँ जो है ये भटूरे भी निकल रहे हैं जी। ये भटूरे बन रहे हैं जी, ज़बरदस्त गर्मा गर्म भटूरे। ये कैसे बनता है जी भटूरा? मैदा और आटा मिक्स होता है और मसाले होते हैं, 18 मिसालों के साथ बनता है ये। 18 मसाले डालते हैं आप इसमें और फिर लोग जो है वो मजे मजे से इसको खाते हैं। बिल्कुल, एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये भाई यहाँ खा रहे हैं भटूरा, इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है जी भटूरे का? बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी का मौसम है तो इसमें गर्म गर्म भटूरे खाने का एक अपना ही लुत्फ़ होता है, अपना ही मजा है। और इसके वैसे भी भटूरे बहुत मज़ेदार हैं, जब भी शालमी आते हैं ये हम जरूर खा के जाते हैं। एक वक्त में आप कितने भटूरे खा लेते हैं? 1 से 1.5 से ज़्यादा नहीं मैं खाता। यानी मौसम को एंजॉय करें भटूरे के साथ। हाँ जी, सर्दी का मौसम है तो गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अपना है। ज़बरदस्त। ये आपने देखा कि लाहौरियों की बात भी हमने आपको सुनवा दी कि सर्दी के मौसम में गर्म गर्म चीज़ें जो है इसका लुत्फ जो है इस वक्त लाहौरिये ले रहे हैं। और शालमी में आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये क्रिसमस का सीज़न भी है, लोगों की गहमा गहमी भी है, रश भी है और ख़रीदारी भी लोगों की जारी है। तो उसी साथ साथ जो है लोगों का खाना पीना भी, जो लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से भटूरे और जो लड्डू पीठी है ये गर्म गर्म खाने को समझने के अपना फ़र्ज़ ही समझते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।